पैदल हुआ जान में थी बाप रे अंबू भाई याद आ गया मेरा है वहां क्यों देख बे एक तो ऐसे कथा भी जानबो तो गिदारन फिर दो खाओ 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 फिर खाओ बे फिर चढ़ से चढ़ते उद उतरा सही सी मला बजा ना बुआ रो ना और बुआ वो मैं कहीं निशानी नहीं देखू ना कुड़ू दीने दिया भाई तो यहां पे शॉट उठ जाए सिक्की ही भी नहीं लगाए पूरे ग्राम सभा के चौराहे में लगाया गया हमारे प्रधान जी के द्वारा आयुष लड़की देखने जा रहा है कहाँ चलो चलो लड़की देखने हेलो गाइस कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरी क्षेत्र से। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं इस टाइम आई हूँ खेत में गेहूँ और मसूर के खेत में घास के लिए और थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पे पीरू भी आने वाली है। तो आप मेरी छोटी मोटी वीडियो पर अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये पीछे से पीरू, तो आप लोग आज पीरू को बहुत टाइम के बाद देख रहे होंगे। ये होलियों से पहले आई थी मेरी वीडियो में, होलियों के बाद फिर हम अलग अलग हो गए थे। क्या किया फिर होली के बाद? फिर फिटोए हिटोए दुणू गए अब बुआ जिन गए अकेले यहाँ बटी बात शिशखानी फिटोए दुणू गए और अपन जाओ यार मैं बहुत गंदा हो तुम वहाँ छी शिशखानी जो खुने ना यार शिशखानी जाऊँ मैं छू साइड हूँ छू तो नहीं जानी पैदल एक अम्बा शाशा थी बस अम्बा शाशा दगड़ गया। अरे ज्योति ताई जी और ये दोनों साथ में ना भिटोली देने के लिए गए थे और बहुत दूर पैदल 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 गए थे। जहाँ तक मेरा मायका है वहाँ तक तुम लोग गाड़ी में गए शायद ना। तो होलियों से पहले पीरू ब्लॉग में आई थी, उसके बाद आज आ रही है। तो आज मैं इसको लाई हूँ यहाँ पे खेत में और यहाँ से हम दोनों बनाएंगे घास। अब धीरे धीरे ना काम धंधों के दिन भी शुरू हो गए हैं और यहाँ पे ना जो सरसों हैं लोग कोई कोई लोग तो सरसों भी निकालने लग गए हैं और जौ भी पकने लग गए हैं, उसके बाद मसूर भी पकने लग गया है। कहीं कहीं पीला पीला जैसा हो गया है, हमारा तो नहीं हुआ है। आप उसके बाद गेहूँ तैयार होंगे तो बस यही हुआ हमारा रूटीन, क्या करें काम धंधे के शुरू। यून में खूब नींबू हिमू सानवे खाइए है जी और खूब ऐसो आराम करे है लो, खूब न धोबे खा पीबे नींद नींद गड़े ली। अब अजान का भी निकाल दो आप नींद हाँ। के चुटुने जाना कब तक चुटन फेंक जा तुम थोड़ा सा जड़ी है मैं जड़ी चुटा मैं नुका हुआ लो ना। पीरू बताएगी जिसके बारे में अभी पहले बात कर रही थी मैं, कल भिटोई देने के लिए गई थी करके और वो भी अपनी बुआ को शिशकानी मैं बुआ ने मतलब घर आओ बुआ मतलब हो तेल बुआ भाई तो कस लगो तू मतलब तो तू मतलब चिंगान की लहर है वहां दिख बे तू बाप रे को जालो आओ जी दूर तू वहां अता पैदल हुआ जान में थी बाप रे अंबू भाई याद आ गया मेरा है वहां क्यों चौगांव से ना तलक तो गाड़ी जाने सी चौगांव फूल पे तेल का जी वाला छू तेलियो तेलियो क्या की तरह सेम धारा बैठ पगली गई वहां बाहर देख बे एक तो ऐसे कथा भी जानबो तो गिदारन फिर दो खाओ 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 फिर खाओ बे फिर चढ़ते चढ़ते उधर उतरा सही सी मला बच्चा ना मैं बुआ रो ना और बुआ वो मैं कहीं निशानी नहीं देखू ना कुड़ू दीने दिया हमें छू नो कुड़ू है छू और तब छू बोलते तेल की तार उन्होंने और हो मेली घर तरन जो छू दिखी ना फूड़ हो जल्दी दिखी और जाऊं तुम बुआ लोग ना घर से वहां तो बढ़िया छू के बढ़िया ना क्या के बढ़िया घर मस्त छन मतलब घर तो छने छन वार पार छू ना मैं बुआ उन्हर तो यकलो फूल लगा है यकलो छू लगा तो क्यों नहीं सी बुआ तू कशी जा बड़ी सी पहली बार एकले एकले ये देखिए इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर भिटोली देने के लिए गई पैदल गई जा पैदल वो भी पैदल गई। इतनी हिम्मत है पहाड़ की औरतों में आप लोग देख सकते हैं, इतनी छोटी इसकी उम्र है और इसने घर से ठान ली नहीं वो ना ही इसने वो बुआ का घर देखा था और ना ही रास्ता देखा था घर से, बस थोड़ा बहुत इसको एक सिग्नल टाइप में इसकी सास ने बता दिया था अगर जा रही है तो ऐसे ऐसे जाना उधर को जाना उसके बाद इधर को जाना करके ना थोड़ा बहुत बताओ नोल तू कहें थोड़ा बहुत बताओ उला उतर जाए अगर आल जो चौकी छीन में उतर जाए उल्ले भी फिर वहाँ बाट चुका है पलड़ वाल रोड में जाने ना उन पे तेल भी जाने हूँ तो कहूँ बाटवन पूछ ले वहाँ जानू कोई वाल बाट चुकी ना उत तेल भी मतलब तेल लेता को आ रही हूँ ना वो नाती मतलब नातिया रही अदवार तो गधर तक लगा ना अदवार भी मणि मिल मिलता कौन कर अच्छी मिलूगा तो आ जाएगा भी तो अब नहीं जाएगी दोबारा वहाँ क्यों अच्छा है पागल रोड ले छुआ हूँ लेकिन तू ये बात बाजार बाट छुआ रोड हो बाजार बाट रोड से तू ये बाट गई जब आप तो तुम फही जानी हो मतलब यहां पे ना बाजार बाट बेटी यहां पे हो उसकी जल्दी बुझू ना हो शॉर्टकट भाड़ हुआ पैदल। तो ऐसा पीरू का आज रिएक्शन है, आप सभी लोगों को शायद पीरू नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है कोई कोई मन ही मन सोच रहे होंगे तो देख लो ये गई थी भिटोली देने के लिए और अब क्या कहते हैं घर में काम धंधे के दिन शुरू हो गए हैं तो अब काम में उलझी रहेगी। कहीं कहीं पर अगर मिलती रहेगी तो मैं इसकी वीडियो बनाते रहूंगी बार बार। तो हम लोगों का यहाँ पे घास भी एकदम से हो गया है
और अब जाने लगे हैं घर की तरफ। ये है मेरा डलिया और ये है पीरू का डलिया, तो जाते हैं घर की तरफ। है पीरू तो गाइस अभी ना यहाँ पे गया है डस्टबिन फेंकने के लिए कचरा में, जहाँ पे हम लोग कचरा डालते हैं ना, फिर मतलब आग भी डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों डस्टबिन लेके गया है फेंकने के लिए। इतने गुस्से में क्यों है, मतलब कुछ काम नहीं करना हुआ तूने है, बताना यहाँ कैमरा के सामने बोलो अभी क्या कह रहा था मैं इसे। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी डस्टबिन फेंकने आया था और मैं अपने घर के जस्ट नीचे यहाँ पे सौर ऊर्जा लगाया जो अभी रात को जल जाएगा। तो गाइस जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है सिर्फ यहीं पे नहीं लगाया, पूरे ग्राम सभा के चौराहे में लगाया गया हमारे प्रधान जी के द्वारा। क्या हो गया, क्या हुआ है ना ना, क्या हुआ रे? ओरे ओरे खांसी होते वक्त हाथ लगा रहा है पापा ने कहा है, खांसते वक्त हाथ लगाते हैं कहा पापा ने, हाँ बोलो पहले गाली चिट्ठी खाएं गाली नहीं तो ध्यान नहीं है इसका तो हाय बोलो प्यार से बोलो हाय हाय हाय। किसके पौधो इधर को वो देख के बताओ किसके पौध हो, ताई के पौध हो ना, यही रहोगे हाँ। और यहाँ पे ना आज आयुष ब्रश कर रहा है और गुन्नू बोल रहा है ना दादा गाड़ी गाड़ी करके ब्रश को, क्या बात है, ब्रश ब्रश कहाँ के लिए अब तैयारियाँ हो रही है, हैं बता दो। क्या बताऊँ, पता तो है, क्या पता है मुझे कुछ नहीं है पता। लड़की देखने जा रहा क्या, बता आयुष लड़की देखने जा रहा है कहाँ, चलो चलो लड़की देखने हाँ। अरे रिजल्ट ढूंढ दे फिर देख ले, क्या कर रहे हैं यार ऐसा, कसम से तेरे को लड़की देखनी है अभी से शादी करनी है तेरे को है। बता देना अभी तो तू तो हाँ चलो चलो बोल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है लड़की देखने जा रहा कहा, तो बड़ी अजीब से ऐसी मुस्कान आ रही मुंह पे ना, देखो अभी आप इसका रिएक्शन इसका फेस देख सकते हैं, हल्की सी मुस्कान तो आई ना आपके मुंह में आई ना, लड़की देखनी है शादी करनी है, है? क्या हुआ तभी प्रेस हो रही है, इसको हटाते इसको हटाओ ये वाली क्लिप को, क्यों हटाऊं लोगों को पता तो चले आयुष को लड़की की जरूरत है अब शादी की जरूरत है, मत करो पहले मम्मा सॉरी बोलो, प्यार से इधर को देख के बोलो मम्मा सॉरी, आज से नहीं बोलूंगा बोलो। तो गाइस हमारे आयुष को ना आप लड़की की जरूरत हो गई है, जब कहीं रहा है तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी धीरे धीरे से, देखते हैं फिर मम्मी यार क्या होता है, लड़के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हर विश पूरी करनी है, करने का हमारा फर्ज बनता ही है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और ये आयुष को ना देखो चिल्ड्रन और जो आप रश करनी लड़की देखने जा रहा हूँ ना, तो आप अपने आयुष की पागल जैसी है। तो अब बस साग सब्जी बनाने का इंतजाम करते हैं और दिया पाती भी करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड पहला, गुड नाइट, बाय बाय बोल दो, ऐसे बाय बाय बोलो, गुड नाइट भी बोलो, गुड नाइट बोलो। नहीं आता।